दोस्तों, अगर आप भी अश्वास मनी हो गया या पेनियर बा हो गया या इस तरह का बहुत सारे हजारों हजारों कंपनी आपको मिल जाएगा। कोई कोई फ्री में आईडी देता है, कोई कोई पैसे लेके आईडी देता है, तो आप इस तरह का खुद का कंपनी कैसे खोल सकते हो? यानी कि आधार एटीएम हो गया, एपीएस जो होता है, और मोबाइल रिचार्ज हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, आप इस तरह का खुद का ऐप कैसे बना सकते हो, खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हो? इनके कुल मिलाकर कहा जाए कि आप खुद का कंपनी कैसे खोल सकते हो इन कंपनियों की तरह, इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कितना आपको पैसा मिलता है, कितना कमीशन मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अभी कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इस तरह का कंपनी खोलने के लिए कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, जैसे कि पे नियर बाय हो गया, आसपास मनी हो गया, जो बड़े बड़े कंपनी है जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, तो उसके जैसे कंपनी खोलने के लिए तो आपको बहुत पैसा चाहिए। उसमें आपको करोड़ों रुपया भी लग सकते हैं, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी तरह आजकल बहुत कंपनियाँ आने की आ रही है। आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप आधार एटीएम लिखोगे या एपीएस सर्विस लिखोगे तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कंपनियाँ, यानी कि आप उस तरह का खुद का ऐप बना सकते हैं, खुद का वेबसाइट आप भी बना सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इसमें आपको 20,000 रुपया हो गया या 30,000 अगर आपके पास है तो आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको कहीं पे ये नहीं लगता कि मुझे इतना पता होना चाहिए। आपको सिर्फ पैसे फेंकना है और इस तरह का काम करने वाला जो वाइट लेवल है उसको आप खरीद सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये मैं अंतिम में बताऊंगा। अगर आपके पास 20,000 है तो आप ये काम कर सकते हैं। मैं पैसों के आप लोगों को क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपया है और अगर आपके पास स्किल है कि आप नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, खुद के अंदर रिटेलर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, तो आप इन सारा कंपनी को ट्राई एक बार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी 15,000 ले लेते हैं, 30,000 ले लेते हैं, तो वो लोग कितने हैं मुझे पता नहीं, मुझे हंसी आती है। क्योंकि वो लोगों को नॉलेज ही नहीं रहता है कि उतना पैसा में वो लोग खुद का कंपनी खड़ा कर सकते हैं उसके जैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे सर्विस आपको जो बड़े बड़े कंपनी देती है वो आपके छोटे कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आधार एटीएम हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, जितने भी होता है पेनियर भाई आसपास मनी के अंदर जितने भी कंपनी है सर्विस है, आप उसकी जो छोटे कंपनी है उसके अंदर भी सारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे मेन मुद्दा कि इसमें आपको कमाई कितना हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमाई किसी भी अगर आप कंपनी से वाइट लेवल खरीदते हो, आप कैसे खरीद सकते हो तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। जैसे कि आधार एटीएम का सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि मेन आधार एटीएम होता है जिसको हम लोग एपीएस भी बोलते हैं। तो इसमें आपको 0.50% यानी कि 0.5% जिसको हम लोग कर सकते हैं कि इसमें आपको हर ट्रांजेक्शन पर मिलेगा। 0.50% के मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बंदा ट्रांजेक्शन करता है 1,000 रुपये का, तो आपके कंपनी के अंदर करेगा यानी आपके द्वारा बनाया हुआ रिटेलर करेगा, तो अगर आपका कंपनी वो यूज करेगा तो जो आपको कमीशन बनेगा वो 0.5% यानी कि आप सोच लीजिए 5 रुपये आपको यानी कि आपको बनेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन 5 रुपये में से ही आपको रिटेलर को देना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, या आप खुद से चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंपनी इसलिए 1,000 रुपये से नीचे ट्रांजेक्शन करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये नहीं देता है। तो बहुत मैंने देखा कि पेन ईयर बाय तो 1,000 रुपये ट्रांजेक्शन करने पे 2 रुपये देती है, और अगर आप खुद का कंपनी खोलते हो तो 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करने पे आपको 5 रुपये मिल जाता है। यानी कि आप 0.50% निकाल लीजिए हर ट्रांजेक्शन पे। मान लीजिए कोई बंदा 5,000 रुपया ट्रांजेक्शन कर रहा है, 5,000 का 0.50% होता है 25 रुपया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर 25 रुपया आएगा, 25 रुपये में आप रिटेलर को कितना दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दोगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दोगे, या आप खुद से वहाँ पोर्टल में सब लिंक रहता है तो आपके पास इतना कमीशन आएगा, रिटेलर के पास इतना कमीशन जाएगा और इतना कमीशन जाएगा। तो इस तरीके से एपीएस का काम होता है 0.50%। आप चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको मोबाइल रिचार्ज में कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा। तो मोबाइल रिचार्ज में आपको 3 से 5% के बीच आपको मिल जाएगा। बहुत सारे होते हैं, कंपनी पर डिपेंड करता है, जियो तो 4-5% आपको मिल जाएगा, 3% मिल जाएगा, यानी कि 3 से 5% आपको मिल जाएगा हर रिचार्ज पर। मान लीजिए अगर कोई बंदा जियो का 500 का रिचार्ज कराता है तो उसका 5% आप निकाल लीजिए, तो इसी तरह का कमीशन हर बनता है। तो सारा जितने भी सर्विस हैं इसी तरह से यानी कि बनता है। तो मैंने जो मेन होता है मोबाइल रिचार्ज का, तो मैंने बता दिया कि मोबाइल रिचार्ज पे आपको 3 से 5% मिलेगा, और जो एपीएस है इसमें आपको 0.50% मिलेंगे। खुद से मैनेज कर सकते हो, ये आपका पोर्टल में खुद से मैनेज करने का ऑप्शन आएगा।
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा लगेंगे, कितने कमीशन आपको मिल सकते हैं, कितने कमाई हो सकता है, जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा आपका कमाई। आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस तरह का कंपनी कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है APS सर्विस प्रोवाइडर, और आपको बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम मैं सजेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन के कारण नहीं बनना चाहता। गूगल पे ही जाना है और वहाँ पे सिर्फ लिखना है APS वाइट लेवल प्रोवाइड कंपनी, तो वहाँ पे बहुत सारा जो नाम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब सारा लिखिए और वेबसाइट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे वो लोग खुद व्हाट्सएप नंबर यानी कि अपना पर्सनल नंबर दे के रखते हैं। उन लोगों को कॉन्टेक्ट करना है और आपको बोलना है कि मुझे आपकी कंपनी का वाइट लेवल लेना है, तो वो लोग आपको वाइट लेवल बना के दे देंगे। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पैसे देना है और आपको सिर्फ कंपनी का नाम बताना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वो सारा जितने भी सर्विस है उस वेबसाइट के अंदर, उसका ऐप भी वो लोगों का खुद के रहता है, आप डेमो पूरा देख लीजिए पहले, उसके बाद ही लीजिएगा। तो इस तरीके से आप खुद का वाइट लेवल कंपनी खड़ा कर सकते हो और उसके अंदर जितने भी रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सब अपने खुद के मर्जी से बना सकते हो। और आपको कमीशन जो है, कमीशन के बारे में वो लोग जानकारी दे सकते हैं। मैं जो कंपनी बताया, ज़्यादातर कंपनी उतना ही देती है, APS पर 0.50% किसी कंपनी का अलग भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप खुद का वाइट लेवल कंपनी खोल सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा से अच्छा कंपनी के साथ जाइएगा और आपको एक बार डेमो देख लेना है उसके एप्लीकेशन का, क्योंकि वो लोग और जानों का एप्लीकेशन प्रोवाइड किए हुए रहते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसका डेमो देख लेना है, उसका वेबसाइट का यूजर इंटरफेस देख लेना है, पैसे दीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।